सीएम मोहन यादव ने मकर संक्रांति के मौके पर उज्जैन में आयोजित छात्र वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मोहन यादव ने कहा कि विज्ञान में रुचि रखने वाले युवाओं में छात्रों के लिए सरकार कार्य कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव ने साथ ही ये भी कहा कि वो यहाँ पर सीएम की हैसियत से नहीं बल्कि विज्ञान का मंत्री होने के नाते यहाँ पर आए हैं। इस अवसर पर चूंकि मुख्यमंत्री तो ठीक है, आपने कह दिया, मैंने मान लिया, लेकिन मैं आज यहाँ विज्ञान का मंत्री होने के नाते आया, साइंस टेक्नोलॉजी भी मेरे पास ही है, इसलिए मैं उस भूमिका में आया। ये कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं जिसमें किसी की रुचि नहीं होती, लेकिन इसमें मेरी रुचि, भले एक बार तो मुख्यमंत्री किसी को दे दो लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी मेरे को दे दो, इसका मजा मुझे मिलता है, क्योंकि ये खास करके नई संभावना के बड़े क्षेत्र हैं जिसमें हमारे पूरे देश प्रदेश और पूरी मानवता की नई भविष्य की संभावना छिपी हुई। ऐसे में इस पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है और उसी को कोई अपने दिमाग में गुठान बांध के रखने की जरूरत नहीं है। पुराने काल की कोई अच्छाइयां होगी उसको भी रिसर्च करके बताए कि वो क्या है और भविष्य में भी इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने भरोसा दिया कि इसरो का एक सेंटर मध्य प्रदेश में भी खुले, इस संबंध में प्रयास किए जाएंगे और साथ ही साथ उज्जैन में शीघ्र ही मंगल तिथियों की वैदिक घड़ी का टावर बनेगा। इस कार्यक्रम में उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया के साथ ही इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश चौहान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।